हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार वीटेक चैनल में। दोस्तों, एंड्रॉयड पाई का जो अपडेट है ये रिलीज़ तो हो चुका है, लेकिन कई सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें एंड्रॉयड पाई का अपडेट अभी भी नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों, एंड्रॉयड पाई के जो फीचर्स हैं ये हम हमारे डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंड्रॉयड पाई का जो वॉल्यूम स्लाइडर होता है वो हमारे डिवाइस में कैसे यूज़ किया जा सकता है। मेरे पास है ये Mi A1 डिवाइस और इसमें मैंने जो है एंड्रॉयड पाई का जो वॉल्यूम स्लाइडर है उसे इंस्टॉल किया है, और अब आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे यूज़ होता है और इसका कैसा लुक है। तो आप देख सकते हो, जैसे ही मैं अब यहाँ से स्वाइप करूँगा तो ये देखिए, ये है एंड्रॉयड पाई का जो वॉल्यूम स्लाइडर है वो यहाँ पर अनेबल हो चुका है। ये इस तरह से अनेबल हो जाता है, सिर्फ ये स्वाइप करने के बाद ये यहाँ पर आ जाता है। आपको इसके लिए वॉल्यूम बटन दबाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप यहाँ से आपकी पूरी मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, जिसका वॉल्यूम है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है एंड्रॉयड पाई का। तो ये जो है, ये फीचर आप अपने किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में ले सकते हो। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जो कि है पाई वॉल्यूम। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा हुआ है। आपको मैं ये ओपन करके बता देता हूँ। ये देखिए, जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे ये कुछ परमिशंस मांगेगी, तो आपको उसे अलाउ कर देना है। जो भी परमिशंस है आपको अलाउ करना है। मैंने पहले ही परमिशंस दे दी है। यहाँ पर देख सकते हो, ओवरले स्क्रीन, डू नॉट डिस्टर्ब और फोन स्टेट, ये सब परमिशन आपको अलाउड करनी होगी। ये अलाउ करने के बाद ये काम करना स्टार्ट कर देती है ये एप्लीकेशन। आप देख रहे हो, मैंने सिर्फ स्वाइप कर दिया तो यहाँ पर ये वॉल्यूम के पूरे कंट्रोल्स आ गए। यहाँ से आप कॉल वॉल्यूम कम कर सकते हो, अलार्म सेट कर सकते हो, अलार्म वॉल्यूम, रिंगटोन वॉल्यूम्स, ये सब कंट्रोल कर सकते हो, मीडिया वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ ऊपर जो ये आइकॉन दिखाया है बेल का, यहाँ पर टच करोगे तो आपका फ़ोन वाइब्रेट मोड पे चला जाएगा। फिर से एक बार टच करोगे तो ये डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चला गया। फिर से एक बार टच करोगे तो ये फिर से रिंगर मोड में आ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर हमें एंड्रॉयड पाई के वॉल्यूम स्लाइडर में देखने को मिलता है। अगर आप ये साइड से वॉल्यूम बटन को भी अगर प्रेस करते हो तो आपके सामने ये मेनू खुल जाता है। तो आप इससे भी अपने वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मैं यहाँ पर बटन प्रेस कर रहा हूँ तो वॉल्यूम भी, रिंगर वॉल्यूम जो है, कम ज़्यादा हो जाता है। और अगर मैं स्लाइड करता हूँ तो आपके आपके सामने ये सब मेनू खुल जाते हैं वॉल्यूम के, जहाँ से आप अपने मीडिया, अलार्म और रिंगटोन वॉल्यूम्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो है, ये एंड्रॉयड पाई का वॉल्यूम स्लाइडर आप भी डाउनलोड कर लीजिए। इसका जो ऐप लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एंड्रॉयड वॉल्यूम पाई का जो ये फीचर है अपने मोबाइल हो में हो, तो ये ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है वॉल्यूम पाई। तो यह एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप एक नया फीचर अपने एंड्रॉयड मोबाइल में ला सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।